हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन मॉडल के बारे में, जो कि इंक्लूजन मॉडल में से वन है। मतलब इट इज़ वन ऑफ द मॉडल ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। कैसे इंक्लूसिव एजुकेशन को हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। सो इसके साथ आप लोग जो प्लेलिस्ट है वो भी चेक कर सकते हो, उसमें आपको काफ़ी डिटेल में वीडियोज मिल जाएंगे इंक्लूसिव एजुकेशन के ऊपर। स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन मॉडल इज एन इंटीग्रेटेड मॉडल ऑफ रिसर्च वैलिडेटेड प्रैक्टिसेस दैट एड्रेस द नीड ऑफ डाइवर्स लर्नर प्राइमरीली एडोलेसेंट्स। बेसिकली SIM जो होता है, इसको SIM भी बोल देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। यहाँ पे क्या होता है, SIM मॉडल जो है एक इंटीग्रेटेड मॉडल है, यानी इस पर तीन चार चीज़ें मिली हुई हैं, जिसमें जो लर्नर्स हैं या जो बेसिकली एडोलेसेंस हैं, जो लर्नर्स हैं, उनकी क्या नीड है उसको एड्रेस किया जाता है। क्या ज़रूरतें हैं, किस चीज़ की ज़रूरत है, उन सब चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है। SIM हैज़ बीन डेवलप्ड बाई यूनिवर्सिटी ऑफ कैंसिस सेंटर फॉर रिसर्च ऑन लर्निंग। इन लोगों ने, जो ये पूरा सेंटर है, इन्होंने SIM को डेवलप किया है। द स्ट्रैटेजिक इंस्ट्रक्शन मॉडल कंसिस्ट ऑफ लर्निंग स्ट्रैटेजीज एंड रूटीन। इसके अंदर कई सारी चीज़ें हैं, यानी कि लर्निंग स्ट्रैटेजीज किस तरह से फॉलो कर सकते हैं, क्या चीज़ें हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं, वो सारी इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। द लर्निंग स्ट्रैटेजीज आर यूज्ड विद स्टूडेंट टू हेल्प इन मास्टरी ऑफ बेसिक स्किल्स। ये जो SIM है या लर्निंग स्ट्रैटेजीज हैं, स्टूडेंट सेंटर जिसे बोलना चाहिए, वो स्टूडेंट्स के साथ यूज़ की जाती है ताकि उनको कोई भी स्किल जो है, बेसिक से बेसिक स्किल, उस पर मास्टरी हो, उनको समझ में आए, उनको उस चीज़ पे कमांड हो। वेल द कंटेंट एनहैंसमेंट रूटीन, कंटेंट एनहैंसमेंट रूटीन आपको नाम से समझ गया होगा कि जो पढ़ाने वाला कंटेंट है उसको एनहैंस करना है, बेटर बनाना है। ये वाला टीचर सेंटर्ड है, वो यूज़ होता है पूरी क्लास के इंस्ट्रक्शंस के लिए, ताकि जो टीचर्स हैं वो ऐसा कंटेंट बनाए जिसमें उसका मीनिंगफुल मतलब रहे और मेमोरेबल रहे। आप समझ गए, दोनों तरीके से फोकस हो रहा है। स्टूडेंट सेंटर्ड है यानी बच्चों पे भी फोकस किया जा रहा है, टीचर सेंटर्ड है यानी टीचर पे भी फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो ये वाला हमारा कौन सा है, दिस इज बेसिकली SIM, जिसे हम स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन मॉडल बोलते हैं। इसमें फेजेस भी होते हैं, वो हम कवर करेंगे नाउ। तो अगर हम इसको बात करें, इसमें ना अलग अलग, जैसे कहते हैं ना कि फेजेस होते हैं। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन कॉल लर्निंग स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन। ये जो पहला इंटरवेंशन है इसको बोलते हैं लर्निंग स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन। वो डेवलप्ड बिकॉज मैनी स्टूडेंट विद डिसेबिलिटीज आर इनएफेक्टिव लर्नर हु लैक इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग स्किल्स। तो पहला ये जो फोकस किया गया है, ये लर्नर पे किया गया है, क्योंकि कई ऐसे लर्नर हैं जिनके पास ऐसे प्रॉपर स्किल्स नहीं है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस करने के लिए स्किल्स नहीं है, ताकि वो, मतलब जिसे कहते हैं ना कि कोप कर सकें अलग अलग कंटेंट के साथ, या फिर टास्क की कॉम्प्लेक्सिटी के साथ, उसके साथ डील कर सकें। अगर कोई काम उनको दिया है कैसे करना है, जो चीज़ उनको समझाई जा रही है किस तरह से उनको समझनी है, उन सब के साथ वो डील कर सकें, इसके लिए ये लर्निंग स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन होता है। फॉर एग्जाम्पल, दे नीड टू लर्न हाउ टू असेस अ क्लासरूम सिचुएशन एंड देन यूज एन अप्रोप्रिएट लर्निंग स्ट्रैटेजी। बेसिकली उनको लर्न करना है क्या, कि कैसे हमें क्लासरूम सिचुएशन को असेस करना है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर सिचुएशन आपके सामने है, क्या आपको उस टाइम पे अपना दिमाग किस तरह दौड़ाना है, कैसी स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है, कि आप कैसे लर्निंग स्ट्रैटेजी यूज करके कोई चीज लर्न करोगे, या फिर अलग अलग स्ट्रैटेजीज को कॉम्बिनेशन में आप लोग समझने की कोशिश करोगे, ताकि आप सिचुएशन को हैंडल कर सको, चीजों को लर्न कर सको, समझ सको। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर द एकेडमिक डिमांड्स, दीज स्ट्रैटेजी सिस्टम्स हैव बीन डिजाइन टू बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन। क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं उनको अलग अलग एकेडमिक डिमांड के अकॉर्डिंग सिचुएशन, मतलब यू नो अलग अलग डिमांड्स के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो ये जो स्ट्रैटेजी सिस्टम्स हैं, ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशंस में, मतलब अलग अलग कॉम्बिनेशंस में, बच्चे स्ट्रैटेजीज को समझ सकें और वो चीज़ों को लर्न कर सकें। ठीक है, तो पहला जो ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन है आपको याद रखना है, दिस इज लर्निंग स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन। कौन सा, लर्निंग स्ट्रैटेजी इंटरवेंशन। ये डेवलप हुआ है किसके लिए, बिकॉज कई सारे स्टूडेंट्स हैं जिनके, मतलब डिसेबल हैं, जो ढंग से लर्न नहीं कर सकते, जिनको कोई ना कोई परेशानी है, उन सब प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया। नेक्स्ट, द सेकेंड कैटेगरी ऑफ इंटरवेंशंस, सेकेंड कैटेगरी आती है इंटरवेंशन की, वो क्या है, कंटेंट एनहेंसमेंट रूटीन। नाम से समझ गए होंगे, टीचर से रिलेटेड है। पहले वाला लर्नर पे फोकस था, ये टीचर पे फोकस्ड है। दे आर द इंस्ट्रक्शनल रूटीन्स टीचर यूज टू एनहेंस देयर डिलीवरी ऑफ कंटेंट इन्फॉर्मेशन एंड इम्प्रूव देयर स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल ऑफ द कंटेंट। यहाँ पे जो फोकस है वो टीचर पे है, कैसे टीचर अपने कंटेंट को एनहेंस करेंगे, बेटर बनाएंगे। ठीक है,
किस तरह से वो कंटेंट को बेटर बनाएंगे, एनहेंस करेंगे, उनकी जो डिलीवरी है कैसे इम्प्रूव करेंगे, इन्फॉर्मेशन है उसको कैसे सुधारेंगे, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं किसके अंदर, कंटेंट एनहेंसमेंट रूटीन के अंदर। मैनी कॉग्निटिवली एंड इमोशनली चैलेंज स्टूडेंट्स हैव डिफिकल्टी ऑर्गेनाइजिंग, अंडरस्टैंडिंग, स्टोरिंग एंड रिमेंबरिंग द इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड ड्यूरिंग लार्ज ग्रुप इंस्ट्रक्शन। कई ऐसे बच्चे हैं, ऐसे चैलेंज बच्चे हैं जिनको डिफ़िकल्टी होती है जो इन्फॉर्मेशन उनको दी जाती है उसको ऑर्गेनाइज करने में, अपने ब्रेन में समझने में, उसको स्टोर करने में, उसको याद रखने में। अगर किसी भी इंस्ट्रक्शन को पूरी क्लास को बताया गया है तो कई बार कुछ बच्चों को नहीं समझ में आता। तो बेसिकली इस तरह से अगर टीचर्स को ऐसे बताया जाए कि आप अपना डिलीवरी इस तरह कर सकते हो, आप इस तरह से समझा सकते हो, बोल सकते हो, इन चीज़ों का बहुत ही पॉजिटिव असर देखा गया है। KUCRL हम लोग पढ़ भी चुके हैं जिन्होंने डेवलप किया है ये, ठीक है। KUCRL मैंने लिखा है किसके लिए, कांसेन सेंटर के लिए लिखा हुआ है। इन्होंने क्या किया, रिसर्च से पता चला था, हैज शोन दैट स्टूडेंट अंडरस्टैंडिंग एंड रिकॉल ऑफ सब्जेक्ट मैटर इन्फॉर्मेशन इम्प्रूव मार्केटली व्हेन टीचर एनहेंस देयर डिलीवरी ऑफ द इन्फॉर्मेशन। बेसिकली बच्चों की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होती हुई दिखेगी अगर टीचर का डिलीवरी यानी जिस तरह वो समझाते हैं वो इम्प्रूव हो, तो बच्चों की परफॉर्मेंस अपने आप बेटर होगी अगर टीचर जिस तरह से चीज़ों को समझा रहे हैं, डिलीवर कर रहे हैं, वो बेटर हो, ठीक है। सो बाय एम्फिसाइजिंग क्रिटिकल फीचर्स ऑफ द कंटेंट, यानी कि टीचर्स अपना मोड ऑफ टीचिंग, जिस तरह से कंटेंट दे रहे हैं, जैसे डिलीवरी कर रहे हैं, वो इम्प्रूव करेंगे, उसमें चेंजेस लाएंगे। अगर किसी बच्चे को डिफिकल्टी है तो ऑटोमेटिकली बच्चों के अंदर देखने को मिलेगा आपको कि क्या डिफरेंस आ रहा है और वो बेटर करेंगे। थर्ड ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन इज द मॉडल आर एम्पावरमेंट इंटरवेंशन। जैसे पहले वाला इंटरवेंशन लर्निंग लर्नर्स के लिए था, दूसरा वाला टीचर्स के लिए था, अगर हम इस पे चलें, थर्ड ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन मॉडल क्या है, एम्पावरमेंट इंटरवेंशन विच आर गियर टूवर्ड्स एम्पावरिंग स्टूडेंट टू परफॉर्म एट देयर बेस्ट एंड टू क्रिएट पॉजिटिव रिलेशनशिप विद अदर इन स्कूल सेटिंग। इट इज बेसिकली सोशल मान के चल सकते हैं, ठीक है। आप बच्चों को एम्पावर कर रहे हो, आप ऐसी चीजें कह रहे हो कि बेटा आपको करना है, आपको अच्छा करना है, आपको पॉजिटिव रिलेशन मेंटेन करना है, अच्छे पॉजिटिव रिलेशन, एक दूसरे के साथ आपको अच्छे से रहना है। तो जब आप ये सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आप देख रहे हो कि क्या हो रहा है, बच्चे जो हैं वो चीजों को थोड़ा सा वैसे ले रहे हैं, मतलब वो एम्पावर हो रहे हैं फॉर वॉट, कि हमें आसपास लोगों के साथ अच्छे से रहना है, हमें एंगेज करना है लोगों के साथ, हमें इंटरेक्ट करना है पॉजिटिव वे में। तो पहले वाला अगर लर्नर के लिए है, दूसरा टीचर के लिए, तो दिस इज फॉर ओवरऑल कैसी परफॉर्मेंस है सोशल। फॉर एग्जांपल सेवरल सोशल एंड मोटिवेशनल स्ट्रैटेजीज हैव बीन डेवलप्ड। ऐसी कई स्ट्रैटेजीज डेवलप हुई हैं सोशल या मोटिवेशनल, जिसमें स्टूडेंट्स को कहा जाता है एक दूसरे से इंटरेक्ट करने के लिए पॉजिटिव वे में, या तो वो बच्चों से अपने आसपास अच्छे से बात करें, टीचर से अच्छे से बात करें, सेल्फ एडवोकेसी, अपने आप चीज़ों को समझें, यानी अपने अपने बारे में जाने, बच्चों के बारे में जाने, इन सब चीज़ों को फोकस किया जाता है थर्ड ग्रुप ऑफ इंटरवेंशन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको SIM समझ में आ गया होगा कि बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट है, डेवलपमेंट के लिए किस तरह के इसके स्टेप्स हैं, क्या क्या चीज़ें इस पे काउंट होती हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा, उसमें आपका बेनिफिट है, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियो कवर करी है सेम टॉपिक पे, तो वो आपको दिख जाएंगी इसके अंदर। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।